अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट। स्टार्ट करते हैं। जब एक कंडक्टर के दोनों सिरों को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें करंट बहना शुरू हो जाता है। करंट की सीमत पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ये हम पहले ही पीछे पढ़ चुके हैं कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। इसमें आगे आ जाती हैं ये दो मेन डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सीमत में चलता है डायरेक्ट करंट कहलाता है। जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही तरफ जाता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट को आम जुबान में डीसी कहा जाता है। हम इसको आम तौर पर डीसी ही कहते हैं। करंट की एक ऐसी भी किस्म है जो बार बार सीमत बदलती है, अपनी डायरेक्शन बदल देती है कि उसने किस तरफ जाना है। बार बार सीमत तब्दील करने वाला करंट अल्टरनेटिव करंट कहलाता है। ये डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन है, ये अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन। ठीक है, ये दोनों आपने याद करनी है और ये भी याद करना है इनको कहते क्या है। डायरेक्ट करंट को डीसी करंट कहते हैं और अल्टरनेटिव करंट को एसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट को एसी करंट कहा जाता है। घरों में सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी एसी है, जो हमारे घरों में आती है वो एसी करंट है। ठीक है, आगे हम इसके पढ़ेंगे इसके इस्तेमाल क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। टॉर्च, घड़ियों और खिलौनों में सेल इस्तेमाल होते हैं, ये डायरेक्ट करंट का जरिया है। ओके, टॉर्च घड़ियों वगैरह में डायरेक्ट करंट इस्तेमाल होती है। कार की बैटरी भी डीसी मुहैया करती है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन और कंप्यूटर वगैरह भी दरअसल डीसी से काम करते हैं। जो इनको जो एसी करंट सप्लाई किया जाता है, ये उसको डीसी में तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। पंखे, मोटरें, बल्ब, हीटर वगैरह एसी से चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने बताया हुआ कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस करंट से चलती हैं। ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो डीसी से चलती हैं। ऊपर नीचे पंखे, मोटर, बल्ब, हीटर वगैरह ये अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। दूर दराज से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तारों के जरिए लाई जाती है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई लाई जाए तो रास्ते में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो जाए। कि अगर हम पावर हाउस से 220 नहीं, क्योंकि हमारे घरों में 220 वोल्ट की आती है, तो अगर हम पावर सप्लाई से भी 220 वोल्ट की लेके आए तो रास्ते में आते हुए ज़ाया हो जाएगी, तो हमारे घरों तक 220 वोल्ट नहीं पहुंचेगा। इसलिए पावर स्टेशन से बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी मुंतकिल की जाती है। जब पावर हाउस से आती है तो वो वोल्ट ज़्यादा होता है, मगर मुकामी तौर पर ट्रांसफर लगाकर 220 वोल्ट की सप्लाई सार्फिन को दी जाती है। जो हमारे मोहल्लों वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो पीछे से पावर हाउस से आ रही है, वो वोल्ट ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसफार्मर फिर उसको 220 वोल्ट की करता है और फिर हमारे घरों तक आती है। चूँकि ट्रांसफार्मर से सिर्फ एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट को ही कम या ज़्यादा कर सकता है, ये डीसी करंट पर काम नहीं करता। डीसी को नहीं, इसलिए एसी को डीसी की निस्बत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। इसलिए हम एसी करंट ज़्यादा यूज़ करते हैं बनिस्बत डायरेक्ट करंट, क्योंकि डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर में नहीं चल सकती। नेज ये कि जहाँ ज़रूरत हो एसी को बड़ी आसानी से डीसी में तब्दील किया जा सकता है। एसी का ये भी फ़ायदा है कि उसको हम जब चाहें डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चे कहते हैं किसी एक धात के ऊपर दूसरी धात की जो है वो पानी चढ़ा देना, जैसा हम कहते हैं कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। मतलब कि वो चीज़ खालिस सोने की नहीं है, हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी हुई है, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया हुआ है और वो सोने की तरह लगती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको कहते हैं। जो हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, स्टील वगैरह, हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उनकी चमक बढ़ा देते हैं या फिर उनकी ज़्यादा कि वो टूटे ना, जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए भी हम उनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अलावा से माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर के सिग्नल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न की नशियात के लिए भी एसी ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये डीसी की डेफिनेशन, ये एसी की डेफिनेशन और आगे इनके इस्तेमाल कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो अगर तुम लोगों को शॉर्ट में आ जाता है कि डीसी करंट की तारीफ़ करें और उसका इस्तेमाल बताएं, तो इसकी तारीफ़ करनी है और इधर से उसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको आ जाता है कि एसी करंट, तो इधर से आपने एसी की डेफिनेशन कर लेनी है और आगे उसका इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है घरेलू इलेक्ट्रिक सप्लाई। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका क्या निज़ाम है? घरों में 200 वोल्ट की एसी सप्लाई मुहैया की जाती है। हमारे घरों में जो वोल्ट आती है वो 200 वोल्ट की है। ठीक है, ये आगे सर्किट दिखाया हुआ, ये वाला मीटर से दो वायर्स
घर में दाखिल होती हैं, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है जिसके ऊपर रीडिंग आ रही होती है कि इतना हमने जो है एनर्जी यूज़ की है। उस मीटर से हमारे घर में दो वायर्स आती हैं, एक वायर को लाइव या गर्म वायर कहा जाता है, ये भी तुम लोगों को शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, कि घर में कितनी वायर्स दाखिल होती हैं उनका नाम क्या है। एक वायर को लाइव या गर्म वायर कहा जाता है, दूसरी को न्यूट्रल या ठंडी वायर कहते हैं। तो दो तरह की वायर्स मीटर में आती हैं, गर्म या लाइव वायर, दूसरी कौन सी है, न्यूट्रल या ठंडी वायर। घर को इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइव वायर के जरिए सप्लाई की जाती है। तो लाइव वायर का क्या काम है कि वो घर को इलेक्ट्रिसिटी देती हैं, जो पावर हाउस है, ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में जो एनर्जी आ रही है वो लाइव वायर के जरिए हमारे घरों में आ रही है। न्यूट्रल वायर करंट की वापसी का रास्ता है ताकि सर्किट मुकम्मल किया जा सके, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है तो एक आ रही है तो दूसरी वापस जा रही है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तुम लोगों को अलग से भी शॉर्ट आंसर आ सकता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में क्या फ़र्क है। तो बताना है कि लाइव वायर घरों में एनर्जी लेके आती है, करंट लेके आती है, जबकि न्यूट्रल वायर जो है वो वापसी का रास्ता है ताकि सर्किट मुकम्मल किया जा सके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल 0 होती है जबकि लाइव वायर की पोटेंशियल 220 + 220 वोल्ट या -220 वोल्ट होती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट होती है, अपनी सीमत बदलती रहती है, कभी ये सीधे जा रही होगी तो पॉजिटिव होगी, अगर ये उल्ट जा रही होगी तो -200 होगी, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए साथ लगाया होगा। लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। लाइव वायर में, ये तुम लोगों को शॉर्ट में MCQs में ही शॉर्ट में आ सकता है कि लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है, 220 वोल्ट का। एक तीसरी अर्थ वायर भी सर्किट में दिखाई गई है, जो हिफाजत के लिए होती है, वो अर्थ के साथ कनेक्टेड होती है ताकि अगर एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो वो ज़मीन में चली जाए, घर को कोई नुकसान ना पहुँचाए, सर्किट को कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो ये तुम लोगों के आज होगी, इसमें सिर्फ शॉर्ट ही तुम लोगों ने करने हैं, एसी करंट, डीसी करंट, उनकी डेफिनेशन, उनका इस्तेमाल, लाइव और न्यूट्रल वायर वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें सिर्फ शॉर्ट ही करना तुम लोगों ने, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला। इसमें से अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम लोगों को बता दूंगी, और ये साथ साथ अपनी कॉपीज पर भी उतार दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।